गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज जो डेट है वो है 2 मई 2023 और टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 10:29:29। और हमारे पास जो स्टॉक है वो है टीसीएस। दोस्तों टीसीएस में आप देखिए अभी तक कोई वैसा ऑर्डर प्री ओपन ऑर्डर लगा हुआ है, बट ऐसा कुछ पोजीशंस अभी नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने टीसीएस को और डिविस दोनों को टेलीग्राम पे दिया था, लॉन्ग साइड का व्यू है तो सेम प्रोसीजर पे जो फॉलो करेंगे इसको। और अभी मैंने 3,220 रुपये 50 पैसे का लिमिट ऑर्डर लगाया, ओके। और प्राइस को दिखाऊं तो देखिएगा कि टाटा पीछे का आएगा नहीं यहाँ पे। हाँ दिखा दिखा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस जो है किस लेवल्स पे, ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शार्प जो है ना डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स हुआ है, शार्प है ना। तो इसी लिहाज से जो दोस्तों इस लेवल्स को हमने मार्क किया हुआ है, ओके। ये लेवल्स को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है और इस पे जब प्राइस आएगा, जैसे आप देखिए कि जब प्राइस नीचे से गया है उसको तकलीफ हुई है, ऊपर से आया है तो तकलीफ हुई है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, प्राइस गिरा है, अगले दिन यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अब सबसे पहले स्टॉप लॉस प्लॉट करते हैं, आफ्टर डेट जो है हम आपको ओवरऑल साइकोलॉजी, हमारी सोच क्या थी, साइकोलॉजी तो मैंने समझाई थी, ओके। और क्या टारगेट होगा हमारा, ये चीज पे हम बात करें। यहाँ पे हमने देखिए 3,213 का एक स्टॉप लॉस लगा दिया है, ओके। एंड एंट्री हमने आपको दिखाया 3,220 रुपये 50 पैसा और 3,257 रुपये 20 पैसे का हमने यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 3,220, अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गई दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 50 का ऑर्डर लगाया था, 60 पे लिया, ये मेरे थोड़ा समझ के परे है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 60 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो 1:4.8 तो तब भी हो जाएगा, ओके। तो देखिए माफ कीजिएगा यहाँ पे एक गलती हो गई थी, केवल 10 पैसे का फर्क आ गया था, पता नहीं कैसे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने 50 का ही ऑर्डर लगाया था, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे मेरी एंट्री जो है 3,220 रुपये 60 पैसा और यहाँ पे मैंने अभी आपके सामने एक और क्या बोलते हैं उसको चेंजिंग कर दिया है ना। तो यहाँ पे हमारा एंट्री प्राइस सेम, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है, जैसे कि हमारी जब एंट्री हुई एक स्पाइक आया था यहाँ से है ना ग्रीन वाले पे, फिर से मार्केट ने चूंकि एक लेवल से मार्केट जा चुका है ना। और आप जाके देखेंगे कि टेकेम और ये इंफोसिस है ना, टेकेम और इंफोसिस जो है ये दोनों पे दोनों बहुत बेहतरीन रैली कवर कर चुके हैं और इंफोसिस शायद कर भी रहा होगा, आपने देखा नहीं, एक बार देख लेता हूँ अभी कुछ देर में। टेकम ने 3.8% की आज के रेट में रैली दिखाई, पहली कैंडल बहुत बिग थी वो कोई दिक्कत नहीं है ना, बट स्टॉप लॉस यहाँ पे फेवर में नहीं था है ना। और इसके लिए जो है स्टार्टिंग में, लेकिन इसके लिए भी बाद में मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया था, ठीक है। मेरे रडार पे जैसा मैंने बताया दो ही स्टॉक थे, डेविस लैब और TCS, ओके। TCS जो है मैंने आज के डेट में ट्रेड कर रहा हूँ और देखिए जहां से हमने एंट्री करी है प्राइस रफली मेरे को एंट्री कर किए हुए जो टाइम हो चुका है बेटा मिनट, हाँ 10:30 है ना, और अभी टाइम हो रहा है 12:10, राइट, लगभग 1.5 घंटे से अधिक हो चुके हैं, ओके। और आप देखिए प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस अभी किस लेवल पे, आप देखिए कहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। 3,220 फिर यहाँ पे गड़बड़ी हुई है क्या, 6,0 था जैसा कि आपको पता है यहाँ पे, ओके ठीक है, ये लेवल है राइट। यहाँ पे देखिए यही पे कहीं सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, ओके। और टाइम देखिए 12:11 हो चुके हैं, ओके 12:11:44 और प्राइस जो है कंटिन्यूअसली वहीं पे सस्टेन कर रहा है। सो देखना होगा कि क्या आज के दिन पे ये लेवल्स को टेस्ट करता है, नहीं टेस्ट करता है नहीं, या फिर स्टॉप लॉस खाता है। अभी तक के सिनेरियोज में फ्रेंड्स ये स्ट्रॉन्ग ही अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, राइट। और देखिए चाहे जितना ही बड़ा बड़ा वैल्यूम आया है प्राइस इसके नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ओके। तो कहाँ से जाएगा जब तक ये रेंज को तोड़ेगा नहीं, ये वाले रेंज को, ये वाले ठीक है, ये रेंज को नहीं तोड़ेगा तब तक इसमें कुछ होना मुश्किल दिख रहा है अभी फिलहाल में, ओके। सो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैं अभी भी इसमें पॉजिटिव वे में बना रहूंगा, या तो स्टॉप लॉस खा ले या तो टारगेट भी, ओके। सो
वेट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्या। तो फ्रेंड्स मैंने ना इसको कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया है। मैंने निकाला इसको 3222 रुपए 5 पैसे पे, ठीक है ना। ये हमारा मतलब एक ऐसा लेवल जहां पे हमने इसको एग्जिट किया, कॉस्ट टू कॉस्ट ही है ना। बस एक यू कह सकते हैं कि ब्रोकरेज जो है वो हमारा जो है हमारे घर से ले जाएगा कुछ, है ना। तो ये था क्या, आप इसमें डिवाइडेशन किया जाए कुछ नहीं, ओवरऑल साइडवेज था। और आज इस चीज का बस अफसोस है कि हमारे पास जो 3 दिग्गज स्टॉक्स थे जो कि मोमेंटम मेरे स्टॉक वॉच लिस्ट में थे, जिनमें बढ़िया मोमेंटम हुआ है। और अब आप जाके देख सकते हैं कि HDFC जो इसमें 545 का लेवल टच कर चुका है ना। तो बहुत बढ़िया रैली था जो कि हम छोड़ दिया है। सो कोई बात नहीं, एक यू नो साइकोलॉजिकली चीजें कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारी एंट्री हुई थी 10:30 पे, और आप देख सकते हैं कि 2:40 पे, अभी 2:43 हो रहे हैं, मैंने अभी निकाला है इसको। ओके, अगर मैं यहाँ पे निकालता तो थोड़ा बहुत ही होता कि मेरे जो ब्रोकरेज जो जाएंगे उससे भी ज्यादा थोड़ा निकल जाता, तो हल्का सा प्रॉफिट होता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोकरेज भी घर से नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जो है 3222 रुपए 5 पैसे पे हमने सेल कर दिया है, और 3220 रुपए 60 पैसे पे, जैसा कि हमें बताया हमारी विक्ट्री। ओके, और देखिए जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कलर का लाइन, ओके, ये ग्रीन कलर की लाइन जो है फिर से यहाँ से ग्रीन कलर की कैंडल जो है फिर से पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन डाली, फिर से ये रिजेक्शन डाला। कोई दिक्कत नहीं है ना, रैली इसमें पॉसिबिलिटी है अभी भी। मैं बोल रहा हूँ ये कल के दिन भी हो सकता है रैली दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस कहते हैं कि लेवल्स पे खुलना होगा इसको, और अभी का जो लेवल्स है वो थोड़ा सा एक अलग जोन पे है। और देखिए फिर से रिजेक्शन डाल रहा है, देख रहे हैं। अच्छी बात ये है कि आपका स्टॉप लॉस से कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है, वो अलग एक बात है ना। तो चलिए, और दूसरा क्या कि मार्केट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जाकर देखिए निफ्टी भी जो है ना, तो ऐसा ऐसा साइडवेज हो गया, तो वो ऐसा ही काम कर रहा है। और अभी ये भागेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो निकल चुका हूँ भी, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नई ट्रेडिंग सीजन में, है ना, कल के दिन। तब तक के लिए बाय बाय।